नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज झारखंड की सबसे बड़ी खबर है ईडी की छापेमारी की, और ईडी ने जब छापा मारा तो तीन लोगों का नाम आया। पहला विशाल चौधरी, दूसरा निशित केसरी, तीसरा अनिल झा। आखिर ये तीन लोग हैं कौन, पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। विशाल चौधरी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, और एक बड़ी दिलचस्प कहानी हुई इनके साथ। आज जब 5:30 के करीब ईडी की टीम पहुंची, तो इनके घर के पास एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ आनन फानन में दो बोरे फेंके जाते देखे गए। जब ईडी की टीम ने पानी में उन बोरों को निकाला तो वो दस्तावेज थे, और दस्तावेज क्या थे अब तक तो जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि कुछ भींग गए थे, कुछ बाकी हैं। लेकिन उसी वक्त जब ईडी की टीम उनके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, तो घर के ग्रिल से एक एप्पल फोन पास के कचरे के ढेर में फेंका जाता हुआ दिखा। और जब ईडी ने उस एप्पल फोन को खंगाला तो उसमें कई बड़े नेता, बिल्डर्स, कारोबारी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे। और ब्यूरोक्रेट्स के नाम के बारे में बता दूं कि बाज़ाब्ता लिखा हुआ था कि नाम, उनका बैच नंबर कि वो कौन से बैच के हैं, 92 के हैं, 93 के हैं, 94 के हैं, और सामने रकम। अब बताइए कि एक बिल्डर जो कि काम करता है बिल्डिंग बनाने का, उसमें IAS अफसरों के नाम हैं, नेताओं के नाम हैं, और ये हर पार्टी के नेता के नाम हैं, पक्ष है विपक्ष है, उसके पास ये नाम क्या कर रहे थे। दूसरी बात, जो दो बोरे फेंके गए रेलवे ट्रैक में, उन बोरों में क्या है। और तीसरी बड़ी बात कि इनके घर पे जो छापेमारी हुई, वहाँ बताया जा रहा है कि करीब 5.5 करोड़ के आसपास कैश बरामद हुआ है। ये कैश किसका था, इसके बारे में जानकारी अभी ईडी बताएगी किसका था। दूसरा बड़ा सवाल है कि ये जो अजय झा हैं, इनके पड़ोस में रहते हैं विशाल चौधरी के, एक का अशोकनगर रोड नंबर 5 में घर है, दूसरा 6 में। अजय झा के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी डेवलपर ही हैं, लेकिन ये विशाल चौधरी के मार्फत जो बड़े बड़े अधिकारी या नेताओं के जो ब्लैक मनी थे, उनको ये इन्वेस्ट करते थे, और बाद में उन्हें जो डबल होता था, ट्रिपल होता था, वो दिया जाता था। एक चिटफंड कंपनी भी चलाते हैं विशाल चौधरी, इसमें दावा किया जाता था कि ये 3 साल में रकम को दोगुनी कर देते हैं। अनिल झा, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो बिल्डर हैं, उनके भाई हैं एक दुर्गा झा, जो कि दुर्गा कंस्ट्रक्शन चलाते हैं, वहाँ भी छापेमारी हुई, उन पर भी आरोप लगा कि ये भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। एक और जो कैच है ईडी का, वो निशित केसरी बताया जा रहा है। वो निशित केसरी जो हैं, बहुत करीबी हैं यहाँ के जो झारखंड के जो प्रधान सचिव हैं राजीव अरुण एक्का के। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि निशित केसरी के यहाँ क्या बरामद हुआ, लेकिन जब विशाल के यहाँ छापेमारी हो रही थी, उसी दौरान कुछ लिंक मिले थे। ये तो थी खबरें। अब अंदर की खबर ये है कि पहली गिरफ्तारी जो इस पूरे प्रकरण में हुई थी, वो थी पूजा सिंघल के CA की, उनके यहाँ 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। और दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है विशाल चौधरी की, जिनके यहाँ 5.5 करोड़ के आसपास रुपए बरामद हुए हैं। ईडी कह रहा है कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि हमने जो बाकी लोगों से पूछताछ की, और जो विशाल चौधरी है, जब शुरुआत में ईडी ने पूछताछ करना शुरू किया तो उनकी माँ ने कहा कि पहले वारंट दिखाओ, फिर एक महिला थी ईडी की टीम में, वो समझाई, उन्होंने अपने पति से बात किया, तब ईडी की टीम को अंदर आने दिया। और बताया जा रहा है कि विशाल चौधरी के थ्रू जो ईडी है, कई बड़े अधिकारियों और नेताओं तक पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखें कि ये जो मौजूदा प्रकरण है, वो दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है, और कई लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन सबका जो कनेक्शन है वो संथाल परगना के साहिबगंज जिले से जुड़ा हुआ है। और साहिबगंज जिले में क्या कुछ हो रहा है, ये आप सब जानते हैं।